तो अब आगे चर्चा की ओर ध्यान दें। जैसा कि आज आपको हम गाथा सुना रहे हैं संत गुरु रविदास जी के बारे में। माताएं बहने बातचीत नहीं करी आप लोग, भाई आप पीछे काहे देख रही हो, आगे इतना देख दलिया अब मन नहीं भर आएगा। अब बहन जी को बैठने दे भाई, फिर मौका मिलेगा, आगे देखो सामने। हाँ बहन जी अभी फिर आ जाएंगे थोड़ी देर में, आगे कुछ सबर करो, थोड़ा कथा सुन लो। इधर कहना है संत गुरु रविदास जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद झांकी का कार्यक्रम भी देखेंगे। जैसा कि मेरे बंधु हमारे इस समाज में हमारे तमाम महापुरुष जन्मे हैं, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक महान, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, ललई यादव, रामास्वामी नायकर, साहू जी महाराज, संत कबीर, संत गाड़गे, संत रविदास। लेकिन मेरे भाई हमारे इन महापुरुषों ने हमेशा इस समाज को अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड से बाहर निकालने का काम किया। हमारे महापुरुषों ने इस बहुजन समाज को अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर और पाखंडवाद से बाहर निकालने का काम किया। शिक्षा व ज्ञान के मार्ग पर बढ़ने का संदेश दिया। लेकिन आज मेरे भाई कुछ लिखने वाले लोगों ने, छापने वाले लोगों ने हमारे महापुरुषों के बारे में चमत्कारिक बातें लिख दी और छाप दी। मनीष सुभाष गौतम भैया की तरफ से दिघारा से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का धर्मदान आया, जोरदार ताली बजा दो भैया के। माताएं बहने और बंधुओं ध्यान दो कि हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ चमत्कारिक बातें लिख दी गई और छाप दी गई। याद रहे हमारे महापुरुषों ने कोई चमत्कार कभी किया ही नहीं। हमारे महापुरुषों ने तो अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड को निकालने का काम, बाहर निकालने का काम किया हमारे लोगों को वहां से। और अगर कोई हमारे महापुरुषों के बारे में ही लिख दे कि आपके पुरखे चमत्कार करते थे, तो आप क्या मानेंगे इस बात पर? संत गुरु रविदास जी के बारे में अनेक बातें लिखी गई हैं। सुनिएगा कहना है। जन्म
काशी में एक मारू नामक स्थान पर होता है, जिनके जन्म के विषय में अनेक मत हैं। कहीं पर सन 1388 लिखा मिलता है, कहीं पर सन 1398 लिखा मिलता है। जन्म के विषय में अनेक मत हैं, लेकिन इनका जन्म माह महीने की पूर्णमासी को हुआ काशी में मारू नामक स्थान पर। कहना काशी में माड़ू नामक स्थान पर जन्म हुआ माघ महीने की पूर्णमासी। इसलिए माताओं बहनों, माघी पूर्णिमा जो है हम लोगों का एक बहुत बड़ा पर्व है। रविदास जी का जीवन परिचय जब हम पढ़ेंगे तो रविदास जी के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई माताओं बहनों, उसमें क्या लिख दिया गया कि रविदास जी गंगा जी के भक्त थे। रविदास जी की जीवनी, रविदास जी का जीवन परिचय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या मिलता है कि वो कृष्ण जी के भक्त थे। अब आप विचार करिए भैया कि जो हमारे पुरखे, जो हमारे महापुरुष हमेशा ढोंग आडंबर पाखंड को मिटाने का काम किए, क्या वो सच में भक्ति करते होंगे? विचार करते मेरी मत मानिए। तथागत बुद्ध जी ने एक बात कही कि कोई बात इतनी मोटी किताब में लिखी है तो उसे मत मान लेना, कि ये बात इतनी मोटी किताब में लिखी है तो सही है। बुद्ध ने कहा किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि इस बात को हजारों लोग मानते हैं तो ये बात सही है। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मान लेना कि ये बात हजारों वर्षों से होती चली आ रही है तो ये बात सही है। बुद्ध ने कहा किसी भी बात को सुन के अपनी बुद्धि विवेक की तरक की कसौटी पे कस के देखना, अगर वो बात आपकी बुद्धि विवेक की तरक की कसौटी पे खरी उतरती है तो उस बात को मानने का काम जरूर कर। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया, हमने सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया तो मान लिया कि लिखा है तो सही लिखा ना, ऐसे नहीं। तो ध्यान दें, गुरु रविदास जी के बारे में अनेक कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत से कथावाचक लोग भी सुनाते हैं, लेकिन हम आपको सच्ची गुरु रविदास जी की कहानी, सच्ची गुरु रविदास जी की बातें बताने के लिए जा रहे हैं। रविदास जी के बारे में कहानी बड़ी प्रचलित है कि एक बार गुरु रविदास जी बैठे हुए हैं और साथ में यह भी लिख दिया गया कि वो जूते का काम कर रहे थे, मतलब जूता बना रहे थे, चमड़े का काम कर रहे थे। तो गुरु रविदास जी पान बुद्ध की, सुनिएगा आप लोग, गुरु रविदास जी के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है माताएं बहने, और वो कौन सी कहानी होती है कि एक बार गुरु रविदास जी बैठे हुए थे और कुछ विप्र लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, ये सब लोगों ने सुना होगा,
और जब वो विप्र लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रविदास जी से कहते हैं कि रविदास हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलो। तो रविदास जी ने क्या कहा कि भैया हम तो नहीं जा पाएंगे, हमारे पास काम बहुत है, ऐसा करो हमारी एक चवन्नी लेते जाओ, गंगा मैया को भेंट कर देना। तो भाई क्या होता है, रविदास जी ने उन लोगों को चवन्नी दे दी और उसके बाद रविदास जी ने क्या कहा, ये कहा कि ये चवन्नी तभी देना जब गंगा मैया स्वयं हाथ बाहर निकाल करके ये चवन्नी ले। आप लोगों ने बहुत सी फोटो देखी होगी जिसमें ऐसे गंगा से मतलब नदी से हाथ बाहर निकला होता है जिसपे कंगन रखा होता है, ये फोटो तस्वीर भी देखी होगी आप लोगों ने, बिकती है। तो भाई रविदास जी से कहा गया कि आप गंगा स्नान के लिए चलोगे, रविदास जी ने कहा नहीं हम कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा करो हमारी चवन्नी लेते जाओ, गंगा मैया को भेंट कर देना, और लेकिन देना तभी जब वो हाथ बाहर निकाल के ले, आप इतना कह देना कि आपके भक्त रविदास ने ये चवन्नी भेजी है, ठीक है माताएं बहनें। अब वो विप्र लोग ब्राह्मण लोग चवन्नी लेकर के चले गए और जब जाकर के वहां गंगा जी पे बोले कि हे गंगा मैया आपके भक्त रविदास ने आपके लिए चवन्नी भेजी है, तो उन्होंने ऐसे गंगा से हाथ बाहर निकाला और एक हाथ से मतलब चवन्नी ले ली और एक हाथ से सोने का कंगन उनको दे दिया। ये हम नहीं कह रहे भैया, ऐसा मतलब लिखा मिलता है पुस्तकों में, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो फिर क्या हुआ भाई, वो लोग चवन्नी लेकर के आए, उसके बाद क्या किया, सोने का कंगन वो लोग लेके आए, तो वो क्या कहते हैं, सोचते हैं ये सोने का कंगन बहुत कीमती लगता है, ऐसा करते हैं इसको हम राजा को भेंट कर देते हैं, और जब राजा को ये कंगन भेंट कर देंगे तो राजा हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो लोग कंगन लेके वही राजा के पास गए, राजा को दे दिया। अब वो जिन राजा को भी कंगन दिया, उन राजा ने वो कंगन अपनी रानी को ले जाके दिया, लेकिन जब राजा की रानी के पास वो कंगन पहुंचा तो वो रानी जिद करने लगी कि हमको जोड़ा चाहिए, मतलब इसका दूसरा भी चाहिए, लेकिन था एक ही, तो रानी जिद करने लगी हमें इसका जोड़ा चाहिए, दूसरा भी चाहिए। अब राजा कहां से लेके आए दूसरा भाई, तो वो क्या कहते हैं, उन्हीं विप्रों को बुलाते हैं, बोले जो तुम एक कंगन लेके आए थे जहां से भी, ऐसा करो दूसरा वैसा और लेके आओ, हमारी रानी को कंगन बहुत पसंद आया और वैसा ही एक कंगन और लेकर के आओ, हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। अब वो लोग दूसरा कंगन लाए कहां से भाई, ठीक है तो विचार करते हैं कि अब क्या करें, अगर कंगन ला के नहीं दिया तो राजा हमें दंड भी दे सकते हैं, हमें जेल में भी डाल सकते हैं। अब उन्हें बहुत डर लगा, तब वो कहां पहुंचे, रविदास जी के पास, रविदास जी को सारी बात बताई और बोले हमें माफ कर दो, हमने वो कंगन आपको नहीं दिया, राजा को भेंट कर दिया, अब राजा दूसरा कंगन मांग रहे हैं, हम कहां से ला के दें, अगर दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा हमें सजा भी दे सकते हैं, इसलिए अब आप ही बचा सकते हो। तो रविदास जी ने कहा ठीक है, तब रविदास जी ने वहीं पर प्रार्थना की और कठौती से मतलब जो वहां पे कठौता रखा हुआ था वो कठौती से गंगा मैया कंगन लेकर के प्रकट हुई। सुना है आप लोगों ने ये कहानी, सब लोगों ने सुना होगा भाई, तभी रविदास जी के मुख से निकला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन अब विचार करिए, ये तो मैंने आपको सुनाया जो पुस्तकों में रविदास जी के बारे में लिखा गया, अब मेरी मत मानिए, आप स्वयं विचार करिए क्या ऐसा हो सकता है। भाई बुद्ध जी ने कहा इतनी मोटी किताब में वो बात लिखी है, इसलिए मत मान लेना, क्योंकि उस किताब को लिखने वाला भी कोई इंसान है और बड़े बड़े विद्वानों से भी गलतियां हो जाती है। तो आप विचार करो क्या ये सही है, कठौती में कोई कंगन लेके सच में प्रकट हो सकता है क्या। आप यही विचार करो कि जो कहानी आपने सुनी ये आपको लगता है कि ये सही हो, विचार करिए मेरी मत मान। देखिए पहली बात तो ये, एक तरीके से हमको अंधविश्वास में उलझाया गया ऐसी कहानियां हमारे पुरखों के बारे में लिख कर कर, क्यों जब आप पढ़ेंगे कि अरे हमारे पुरखा रविदास जी गंगा नहाने जाते थे, हमारे पुरखा रविदास जी गंगा में दान करने जाते थे, तो आप भी मानेंगे उस बात को तो आप भी जाएंगे वहां पे, आप भी गंगा नहाएंगे, आप भी गंगा में दान करेंगे, तो कुछ तो ये आपको उलझाने के लिए ये कहानी लिखी गई। और एक बात
अपनी बुद्धि दिमाग की तरफ की कसौटी पर कसिया। रविदास जी का जन्म तब हुआ आज से लगभग 500 या 600 वर्ष पहले। रविदास जी का जन्म हुआ 500 वर्ष 600 वर्ष पहले। और बाबा साहब तो रविदास जी से बहुत बाद में आए, हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर तो रविदास जी से बहुत बाद में आए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, बहनों पानी के लिए लड़ाई लड़ी, महान तालाब सत्याग्रह किया। तब हमारे लोगों को साफ स्वच्छ तालाबों में पानी पीने का अधिकार मिला। मेरे भैया जब बाबा साहब के जमाने में हमारे लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर, साफ स्वच्छ स्थानों पर, नदियों में, तालाबों में, कुओं में पानी छूने का अधिकार नहीं था, तो रविदास जी तो 500 साल पहले जन्मे, फिर उनको गंगा में नहाने का अधिकार किसने दे दिया होगा? आप मेरी मत मानिए, आप स्वयं विचार करिए। और अगर आपके पुरखों को गंगा में जाने का अधिकार था, आपके पुरखों को हर जगह नहाने का, पानी पीने का अधिकार था, तो कब भैया बाबा साहब का संघर्ष झूठा है? फिर अगर अधिकार था ही हर प्रकार का, तो बाबा साहब ने पानी के लिए लड़ाई क्यों लड़ी? अब आप स्वयं विचार करें मेरे बंधु, भाई पानी में मतलब साफ स्वच्छ नदियों में तालाबों में घुसने का अधिकार हमें किसने दिलाया? बाबा साहब ने 20 मार्च सन 1927 में महान तालाब सत्याग्रह किया, पानी के लिए लड़ाई लड़ी बाबा साहब अंबेडकर ने, तब हमारे लोगों को पानी पीने का, साफ स्वच्छ नदियों तालाबों में पानी छूने का अधिकार मिला। और हमको आपको क्या लिख दिया गया कि रविदास जी 500 साल पहले पैदा हुए तो वो गंगा में नहाते थे। तो इसलिए विचार करिए मेरे भैया, अगर ऐसा था तो फिर हमारे बाबा साहब को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? तो इस बात से हम स्वयं विचार कर ले कि जो हमारे रविदास जी के बारे में था नहीं वो लिखा गया, और जो नहीं था वो लिख दिया गया, और जो था उसको क्या किया गया, छुपा दिया गया। हमारे रविदास जी जो एक ऐसे संत थे जिन्होंने जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव को मिटाने का काम किया था। रविदास जी के समय में भी जातिवाद, छुआछूत चरम सीमा पर था। इसीलिए आप सब ने सुना होगा, पढ़ा होगा, रविदास जी की बाड़ी में मिलता है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। या किसने कहा? रविदास जी ने, कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अगर मेरे भैया जातिवाद नहीं होता तो फिर रविदास जी ऐसा क्यों कहते कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। एक कहानी और रविदास जी के बारे में मिलती है माताएं बहने, कि रविदास जी मतलब बहुत बड़े भक्त थे। किसके भक्त? गंगा जी के भक्त, कृष्ण जी के भक्त। फोटो देखी होगी, रविदास जी की फोटो आती है जिसमें रविदास जी की फोटो पर भी गंगा जी की, कृष्ण जी की, विष्णु जी की तस्वीरें छाप दी जाती है रविदास जी की फोटो में। माताएं बहने, ऐसी एक कहानी है। ये क्या हो रहा भैया इधर? हो क्या रहा? मैंने आप लोग बैठी रहो, आप लोग बैठ जाओ। बोली तथागत बुद्ध की, बैठ जाओ भैया, डबल सवारी में है वो, काय के चक्कर में पड़े बैठे रहने दे भैया, यहां बैठे आराम से बैठ जाओ। बोली तथागत बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की जय हो। तो हम जो आपको बता रहे थे मेरे भैया, हमारे महापुरुषों ने कोई चमत्कार नहीं किया, हमारे पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों गुरुओं ने हमेशा ढोंग आडंबर पाखंड से इस समाज को बाहर निकालने का काम किया, शिक्षा और ज्ञान